अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खान अकेडमी आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम गेट का इस्तेमाल सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश के अंदर गेट हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो हम आज थोड़ा सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश में हम गेट कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास, जल्दी आओ खाना ठंडा हो रहा है, तो इस इंग्लिश होगी कम फास्ट, कम फास्ट, द फूड इज गेटिंग कोल्ड। ठीक है, जल्दी जाओ खाना ठंडा हो रहा है, इस इंग्लिश क्या होगी कम फास्ट, द फूड इज गेटिंग कोल्ड। दूसरा सेंटेंस, जल्दी खाओ अगर तुम नहीं खाओगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। अभी फ्यूचर में आ गया, तो जल्दी खाओ, ईट क्विकली क्या होगा, ईट क्विकली इफ यू डोंट ईट द फूड विल गेट कोल्ड। ठीक है, जल्दी खाओ अगर तुम नहीं खाओगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। तो इस इंग्लिश में होगी ईट क्विकली इफ यू डोंट ईट द फूड विल गेट कोल्ड। तीसरा सेंटेंस, चाय ठंडी हो रही है, जब मेहमान बैठे हों तो हम कहते हैं चाय पी ठंडी हो रही है, तो हम इस तरह बोलेंगे चाय ठंडी हो रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी टी, चाय को टी कहते हैं, टी इज गेटिंग, टी इज गेटिंग कोल्ड। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, किसके प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अगला सेंटेंस, चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी फ्यूचर में है, फ्यूचर इनडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, तो इसमें विल का यूज करेंगे, टी विल गेट कोल्ड। स्टॉप करो, चाय ठंडी हो जाएगी, टी विल गेट कोल्ड। आप सेंटेंस नंबर 5, चाय ठंडी हो गई है, चाय ठंडी हो गई, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हैव या हैज का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस नंबर 5, अगर टी, आप टी सिंगुलर तो हैज़ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टी हैज़ और गॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट। गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट। टी हैज़ गॉट कोल्ड। देखा आपने गेट का कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, आईएनजी में भी हो रहा है, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो टी has got cold। सेंटेंस नंबर 6, क्या तुम्हारी शादी हो रही है, क्या तुम्हारी शादी हो रही है। अब ये सिंगल शोगी, अब ये यूज करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है। ठीक है, आर यू गेटिंग मैरिड, क्या तुम्हारी शादी हो रही है, आर यू गेटिंग मैरिड, क्या आपकी शादी हो रही है। देखिए 7 नंबर सेंटेंस, मैं अब बेहतर हो रहा हूँ। देखिए आप किसी से पूछते हैं ना, किसी मरीज से पूछते हैं आप, हाउ आर यू नाउ, अब आप कैसे हैं, तो वो कहते हैं मैं अब बेहतर हो रहा हूँ। ठीक है, जब किसी पेशेंट के पास जाते हैं उससे आप पूछते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू नाउ, अब आप कैसे हैं, तो वो कहते हैं मैं अब बेहतर हो रहा हूँ। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम गेटिंग बेटर नाउ, दूसरा कहेंगे आई एम गेटिंग बेटर नाउ। जब आप किसी से मिलते हैं ना 10 साल के बाद, 15 साल के बाद दोस्त से, अगर वो बूढ़ा हो रहा, बाल सफ़ेद हो गए हों, तो हम उसे कहते हैं तुम बूढ़े हो रहे हो। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, You are
यू आर गेटिंग ओल्ड, यू आर गेटिंग ओल्ड। अगला सेंटेंस, मुझे गलत मत समझना, मुझे गलत मत समझना। कहते हैं सेंटेंस में यू डोंट, क्या कहेंगे, डोंट, मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। सेंटेंस नंबर 11, कहते हैं तैयार हो जाओ, कहीं जाना हो, स्कूल जाना हो, कहीं भी जाना हो, तैयार हो जाएं, तो हम कहते हैं गेट रेडी, क्या कहते हैं, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। मैं फिर आप आगे से कहते हैं मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, तो इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। जाओ मेरे लिए गिलास पानी लाओ, जाओ मेरे लिए गिलास पानी लाओ, तो हम इसको हम बना सकते हैं गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ना जाओ मेरे लिए गिलास पानी लाओ, तो ये गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप इसको इस तरह ही बोल सकते हैं गो एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको इस तरह भी कह सकते हैं गो एंड फैच, कहते फैच लगा दें, गो एंड फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। चलो मैं बना देता हूँ गो एंड, आगे वो ये सारा, इस तरह भी कह सकते हैं गो एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और इस तरह भी कह सकते हैं गो एंड फैच मी, आगे वो ही है गो एंड फैच मी ग्लास ऑफ वाटर। तो तीनों सेंस में आप बात कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स मिलिंग देख लेते हैं आज, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है, तो वोकैबुलरी के बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आपके पास अल्फाज का जख़ीरा होना चाहिए, तब जाकर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसलिए स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, तब जाकर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और इंग्लिश हमेशा प्रैक्टिस से आती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड लोंडा बाजार, इसकी इंग्लिश क्या होगी, फ्ली मार्केट, क्या होगी, फ्ली मार्केट। निकाह, निकाह की इंग्लिश क्या कहते हैं, वेडलॉक। लोटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ईवर, ठीक है। अगला सेंटेंस, सिविया, जो ईद पे छोटी ईद पे हम खाते हैं सिविया, इसको इंग्लिश कहते हैं वर्मीसेली, वर्मीसेली। हराम, हराम चीज क्या कहते हैं, एल गोटन, एल गोटन। हजाब, ठीक है, औरतें जो हजाब करती हैं उसको हम कहते हैं वेल। अगला सेंटेंस, हजाम या नाई, इसको क्या कहते हैं, जो बाल काटते हैं इसको हम कहते हैं बार, ठीक है। तिल, जो फेस के ऊपर तिल होता है ब्लैक कलर का, उसको हम कहते हैं मोल। छींक, छींक जो आती है उसको हम कहते हैं सिनीज, ठीक है। ये दो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप खुद बना के, आप बना के ना देंगे कमेंट्स के अंदर, मेरी शख्सियत को नजर मत लगाओ, ठीक है। कदर खो देता है हर रोज का आना जाना, ये मैं आपको कैसे दे रहा हूँ कमेंट्स में, आप इनका आंसर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।